अब जो अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज रिडंडेंसी। अब ये रिडंडेंसी का मतलब क्या है, देखिए जब आपके पास किसी तरह के एरर्स ऑकर होते हैं तो एरर्स के लिए हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं। पहला एरर डिटेक्शन और दूसरी तरह की जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं एरर करेक्शन। एरर डिटेक्शन का मतलब क्या है कि अगर ये हमारे पास एक सेंडर है और हम सेंडर से रिसीवर के पास कुछ डेटा सेंड कर रहे हैं, देन द रिसीवर शुड बी एबल टू डिटेक्ट कि कोई एरर है या नहीं है। इफ़ द सेंडर इज सेंडिंग डेटा टू द रिसीवर, देन द रिसीवर शुड बी एबल टू डिटेक्ट वेदर देर इज सम काइंड ऑफ एरर और नॉट। नाउ इन द सेम वे फॉर एरर करेक्शन व्हाट हैपेंस इज, सेंडर अगर किसी डेटा पैकेट को रिसीवर के पास भेज रहा है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीवर शुड बी एबल टू डिटेक्ट कि हाँ कोई एरर है, और फिर उसके बाद रिसीवर शुड बी एबल टू करेक्ट दैट पर्टिकुलर एरर। अब इस तरह के मैकेनिज्म में, इस तरह की केसेस में वी हैव टू सेंड सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भेजना पड़ता है, एंड दैट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज रिडंडेंसी। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10101, ये हमारे पास कोई मैसेज है जो हम सेंड करना चाहते हैं। अब ये जो मैसेज है इसके अंदर देर कैन बी सम एरर जो कि ऑकर हो सकते हैं। इस एरर कोई एकर यहाँ पर एरर हुआ है या नहीं हुआ उसको बताने के लिए हम लोग इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं अगर इसके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड कर देता हूँ ये बताने के लिए कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है वो हमारे पास इवन है। ठीक है, उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरो हमारे पास ऑड होंगे तो हम यहाँ पर वन ऐड कर देते हैं। अब रिसीवर के पास अगर हमारे पास इस तरह का एक मैसेज रिसीव हुआ है तो रिसीवर बोलेगा कि सर आप तो ये बताना चाहते थे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इवन है, लेकिन हम इस मैसेज के अंदर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे पास ऑड है, तो यानी कि इस मैसेज के अंदर कोई ना कोई एरर है। तो इस तरह की हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम सेंड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज रिडंडेंसी। तो देखिए हम क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन डिटेक्टिंग और करेक्टिंग द एरर इज रिडंडेंसी। टू बी एबल टू डिटेक्ट और करेक्ट एरर्स वी नीड टू सेंड सम एक्स्ट्रा बिट्स विद आवर डेटा। These redundant bits are added by the sender and removed by the receiver, and their presence allows the receiver to detect or correct corrupted bits. Now, to detect or correct errors, we need to send extra information that is called as redundant bits. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो तरह के कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास एरर डिटेक्शन का और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज एरर करेक्शन। तो इस स्लाइड के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज एरर डिटेक्शन एंड व्हाट इज एरर करेक्शन। सबसे पहले हमारे पास एरर डिटेक्शन वर्सेस करेक्शन। सो इन करेक्शन ऑफ एरर इज मोर डिफिकल्ट देन डिटेक्शन। ऑब्वियसली व्हाई इट इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज करेक्शन के अंदर पहले तो हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा कोई एरर है कि नहीं है, प्लस फिर ये बताना पड़ेगा कि एरर किस पोजीशन पर है या फिर किस पोजीशंस पर है, मल्टीपल पोजीशंस कैन बी देयर, प्लस फिर हमें उनको करेक्ट करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली अगर एरर डिटेक्ट करना ही इतना डिफ़िकल्ट है कि हमारे मैसेज के अंदर कोई एरर है कि नहीं है, तो पोजीशन बताना तो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। और फिर पोजीशन बताने के बाद जो करेक्ट करना है दैट इज़ ईजी, दिस पार्ट इज़ ईजी, बट पोजीशन बताना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसी वजह से एरर करेक्शन जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो इन एरर डिटेक्शन वी आर लुकिंग ओनली टू सी इफ एनी एरर हैज़ ऑकर्ड और नॉट, द आंसर इज सिंपली येस और नो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि हमें मैसेज सेंड करना था 110101, अब यहाँ पर हम लोग देखिए अब इसके अंदर हम लोग कुछ पैरिटी बिट्स को ऐड कर सकते हैं। देखिए पैरिटी बिट का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट है, हम लोग पैरिटी बिट के बारे में और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर देखिए हम पैरिटी बिट जो है हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं फॉर नंबर ऑफ़ वंस। ठीक है, हम ये देख लेते हैं कि कितने हमारे पास वन है यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ़ वन है, इसलिए हम एक पैरिटी बिट ऐड कर लेते हैं जहाँ पर विच इज़ रिप्रेजेंटिंग वन, कि अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ़ वन यहाँ पर ऑड होते हैं तो ये इसको वन कैरी करेगा। अब रिसीवर के पास इस तरह का कोई मैसेज रिसीव हुआ है, रिसीवर के पास मिला है 110101 और फिर ये हमारे पास पैरिटी बिट है 1, तो ये कंप्लीट मैसेज रिसीवर को मिला है, तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर विल काउंट कि भाई साहब हमारे पास कितने वंस हैं।
और जितने वन हैं उसके अकॉर्डिंग रिसीवर यहाँ पर चेक करेगा कि पैरिटी बिट क्या कहना चाहती है। अब ये पैरिटी बिट बोल रही है कि हमारे पास नंबर ऑफ वन ऑड है, लेकिन रिसीवर को तो नंबर ऑफ वन इवन मिले, तो अब रिसीवर बोलेगा यस देर इज़ सम एरर विच इज़ प्रेजेंट इन दिस मैसेज। ठीक है, तो इस तरीके से एरर को डिटेक्ट करना इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज इसका आंसर सिंपल ये है कि भाई येस और नो देर इज़ एन एरर और नॉट। लेकिन अब अगर सेंडर ने ये मैसेज भेजा था और रिसीवर ने इस मैसेज को रिसीव किया, क्या रिसीवर ये बता सकता है कि किस पोजीशन पर एरर है? ऐसा हो सकता है कि इस पोजीशन पर एरर हो, ऐसा हो सकता है कि इस पोजीशन पर एरर हो, ऐसा हो सकता है कि इस पोजीशन पर एरर हो। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड कि किस पोजीशन में एरर ऑकर हो चुका है या एरर ऑकर हुआ है, तो इसी वजह से उसको हम बोलते हैं डिफ़िकल्टी। देखो, इन एरर करेक्शन वी नीड टू नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बिट्स, पहले ये पता होना चाहिए कितनी बिट्स करप्ट हुई हैं, फिर हमें उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, और कितने एरर्स एंड द साइज ऑफ मैसेज आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि कितने बड़े मैसेज के अंदर कितने सारे एरर्स ऑकर हुए हैं, देर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर हमें एक सिंगल एरर को ऑकर करेक्ट करना है इन 8 बिट डेटा, देन वी नीड टू कंसिडर 8 पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर आप 8 बिट की इन्फॉर्मेशन इस तरीके से किसी को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, अब सेंडर से रिसीवर के पास कुछ मैसेज आया, अब रिसीवर को पता है कि यार इसके अंदर कोई एरर तो है, लेकिन वो एरर कहाँ पर है? एरर यहाँ पर भी हो सकता है, एरर यहाँ पर भी हो सकता है, एरर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो वी हैव 8 पॉसिबिलिटीज़। देखिए, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमारे पास 8 बिट का मैसेज है, तो हमारे पास हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, 2 × 2 × 2 अप टू सो ऑन, 2^8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आर देयर फॉर सिंगल बिट एरर, बिकॉज 8 पॉसिबल पोजिशंस हैं जहाँ पर एरर हो सकता है। ये था अगर हमारे पास सिर्फ एक ही बिट करप्ट हुई है, लेकिन अगर इस तरह से हो कि हमारे पास 2 बिट्स करप्ट हुई हैं, 2 बिट्स करप्ट होना इज़ मोर डिफ़िकल्ट। ठीक है, अब वो 2 बिट्स कौन कौन सी हैं, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 बिट्स हैं, ऐसा हो सकता है कि ये 2 बिट्स हैं, ऐसा हो सकता है कि ये 2 बिट्स हैं, ऐसा हो सकता है ये 2 बिट्स हैं, ऐसा हो सकता है ये 2 बिट्स हैं, फिर इन बिट्स के बीच में कुछ गैप्स भी हो सकते हैं, जैसे कि 101101 समथिंग ये वाली बिट और ये वाली बिट करप्ट हो सकती हैं, उसी तरीके से पहली बिट और चौथी बिट करप्ट हो सकती है, पहली बिट और पांचवी बिट करप्ट हो सकती है, तो कोई भी बिट यहाँ पर करप्ट हो सकती है। अगर हमारे पास 2 बिट्स करप्ट हुई हैं, इफ़ देर आर 2 एरर्स मतलब 2 करप्शंस, तो उसके लिए हमारे पास 28 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी 28 पॉसिबिलिटीज़ आई कैसे? ठीक है, देर इज़ 8C2, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस यू कैन मेक विद द हेल्प ऑफ 8 बिट्स। ठीक है, जैसे कि कितना होगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये कितना हुआ हमारे पास, इसको हम कैसे लिखेंगे, 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 से 8 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास 4 आया, तो हमारे पास टोटल 28 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है कि जहाँ पर एरर ऑकर हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमारे पास 3 बिट करप्टेड होती तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती, 8C3, तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ होती जहाँ पर एरर हो सकता था। ठीक है, तो अब देखिए रिसीवर की डिफ़िकल्टी जो है ना, इसी चीज़ से बढ़ जाती है। पहला डिफ़िकल्टी क्या है, पहले तो उसको ये बताना है कि भाई एरर कहाँ पर ऑकर हुआ है। दूसरी डिफ़िकल्टी क्या है कि अगर एरर ऑकर, पहले तो बताना है कि एरर ऑकर हुआ है या नहीं हुआ। अगर रिसीवर ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई एरर ऑकर हुआ है, तो दूसरी डिफ़िकल्टी क्या है, अब आपको ये बताना है कि कितने बिट्स का एरर है, क्या ये 1 बिट का एरर है, 2 बिट का एरर है, 3 बिट का एरर है। तीसरी डिफ़िकल्टी क्या, अगर रिसीवर ने ये बता दिया कि कितने बिट का एरर है, फिर रिसीवर के लिए प्रॉब्लम ये है कि वो एरर की पोजीशन क्या है, क्योंकि हर एक, अगर फॉर एग्जांपल 8 बिट की इन्फॉर्मेशन है और हमारे पास 2 बिट का एरर ऑकर होता है, 1 बिट का एरर अगर हमारे पास ऑकर होता है, तो हमारे पास 256 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास तो 8 पॉसिबिलिटी, आई एम सो सॉरी। ठीक है, दिस इज़ 8, अगर 8 बिट का हमारे पास मैसेज है और हमारे पास 1 बिट का एरर है, तो हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हमारे पास 2 बिट का एरर है, तो हमारे पास 28 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हमारे पास 3 बिट का एरर है, तो हमारे पास 8C3 विच इज़ इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए, पहला केस जो है था, ये मैं थोड़ा सा गलत आपको बता दिया, पहले केस के अंदर हमारे पास
टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई भी इनमें से 8 में से कोई एक बिट करप्ट हो सकती है, ठीक है। अब जब हमारे पास 3 बिट का एरर हो गया तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ होगी, 8 × 7 × 6 × 5 × 5 × 6, सो विच इज़ इक्वल टू 8 × 7, यानी कि हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे इस केस में, हमारे पास टोटल 56 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यानी कि 56 पॉसिबिलिटीज़ है कि कहाँ पर एरर ऑकर हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे पास 1000 बिट्स का मैसेज अगर हमने सेंड किया तो 1000 बिट्स के केस में हमारे पास 10 बिट्स अगर एरर ऑकर हुआ है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, बिकॉज कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, 1000 × 10, इतनी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी कि कहाँ पर एरर ऑकर हुआ है। सो अब इससे इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी डिफ़िकल्ट है ये बताना कि एरर कहाँ पर ऑकर हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि फॉरवर्ड एरर करेक्शन वर्सेस रीट्रांसमिशन, ठीक है। अभी फॉरवर्ड एरर करेक्शन क्या होता है और रीट्रांसमिशन क्या होता है। देखो, एरर करेक्शन के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। देखिए, यहाँ पर हम कहना क्या चाहते हैं, एक सेंडर है, एक हमारे पास रिसीवर है। सेंडर ने रिसीवर को कोई मैसेज ट्रांसमिट किया, ठीक है। अब एज्यूम करो रिसीवर सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ पर कोई एरर ऑकर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अब रिसीवर क्या चाहता है कि हम इस एरर को ठीक करें, वो एरर को ठीक कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने 2 टेक्निक बनाई। पहला है फॉरवर्ड एरर करेक्शन, इसका मतलब है इट इज़ द प्रोसेस इन विच द रिसीवर ट्राइज टू गेस द मैसेज बाय रिडंडेंट बिट्स, यानी कि अगर हमारे पास ये कुछ मैसेज था तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर देंगे ताकि रिसीवर को वो एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और इन एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की हेल्प से रिसीवर विल ट्राई टू गेस कि अगर कोई एरर ऑकर हुआ है तो वो एरर किस पोजिशन पर ऑकर हुआ है, ठीक है। नाउ इफ़ द नंबर ऑफ एरर्स, दिस इज़ पॉसिबल इफ़ द नंबर ऑफ एरर्स इज़ वेरी स्मॉल, अगर हम कुछ मैसेज को सेंड कर रहे हैं और नंबर ऑफ एरर्स हमारे पास काफ़ी स्मॉल है, देन दिस इज़ वेरी ईजी एंड इट इज़ पॉसिबल। अब दूसरा है करेक्शन बाय रीट्रांसमिशन। रीट्रांसमिशन का मतलब क्या है, रिसीवर को पता चल गया कि हाँ भाई कोई एरर है, तो रिसीवर विल रिक्वेस्ट द सेंडर कि आप ऐसा कीजिए कि हमें दोबारा से ये बता दीजिए कि एरर कहाँ, हमें दोबारा इस डेटा पैकेट को सेंड कर दीजिए बिकॉज हमारे पास जो डेटा पैकेट मिला है दैट इज़ करप्टेड। तो रिसीवर सेंडर को रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, सेंडर विल सेंड द कंप्लीट डेटा पैकेट अगेन, ठीक है। सो इन दिस टेक्निक इन विच द रिसीवर डिटेक्ट द ऑकरेंस ऑफ एन एरर एंड आस्क द सेंडर टू रीसेंड द मैसेज। नाउ रीसेंडिंग इज रिपीटेड अंटिल अ मैसेज अराइव्स दैट इज बिलीव टू बी एरर फ्री। सो जब तक हमें ऐसा कुछ एक मैसेज नहीं मिल जाता जहाँ पर हमारे पास कोई एरर ऑकर नहीं हुआ है, तब तक हम रीट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट करते ही रहेंगे, ठीक है। अभी देखिए, हमारे पास एक एनकोडर है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जनरली यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए एक सेंडर है, सेंडर ने एक मैसेज को लिखा, उस मैसेज को एनकोड किया बाय यूजिंग सम एक्स्ट्रा बिट्स। उस एनकोडिंग के लिए हम एक जनरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैसेज जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैसेज है 1101, इसके अंदर हम कुछ रिडंडेंट बिट्स ऐड करेंगे। एज्यूम करो वो 001 हमने ऐड किया कुछ रिडंडेंट बिट्स। ये रिडंडेंट बिट्स कैसे आई, इसको जनरेट करने के लिए हमने एक जनरेटर का यूज़ किया, ठीक है। और फिर वो जो मैसेज प्लस रिडंडेंट बिट्स हमने इन दोनों को सेंड किया, ट्रांसमिशन हो गया, रिसीवर ने इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया। पहले रिसीवर क्या करेगा, चेक करेगा कि ये मैसेज ठीक है या नहीं है बाय द हेल्प ऑफ दीज रिडंडेंट बिट्स, बिकॉज रिसीवर को अगर जो भी मैसेज मिला है, रिसीवर को अगर ये मैसेज मिला है हमारे पास, तो इन रिडंडेंट बिट्स की हेल्प से रिसीवर चेक करने की कोशिश करेगा कि जो हमें मैसेज मिला है वो करेक्ट है कि नहीं है। अगर वो मैसेज करेक्ट है तो रिसीवर उस मैसेज को एक्सेप्ट करेगा, इस मैसेज को एक्सेप्ट करेगा। अगर वो करप्ट नहीं है तो रिसीवर इस मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा और ये बताएगा सेंडर को कि प्लीज़ सेंड दिस डेटा पैकेट अगेन, ठीक है। तो अभी जो रिडंडेंट बिट्स हैं वो किस तरीके से चूज़ होती है, कि ये हमारे पास होता क्या है, ठीक है। देखिए, हमारे पास जो हमें डेटा सेंड करना है, एज्यूम करो कि हमें डेटा सेंड करना है 1101, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज ए डेटा, ठीक है, जो सेंडर रिसीवर को सेंड करना चाहता है। ये सेंडर है और ये रिसीवर है, सेंडर रिसीवर को 1101 सेंड करना चाहता है। जो सेंडर सेंड करना चाहता है, एज्यूम करो ये हमारे पास के बिट्स है, और इस के बिट्स को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डेटा वर्ड, डेटा वर्ड, ठीक है। अब सो दैट वी कैन डिटेक्ट कि कोई एरर ऑकर हुआ है या नहीं हुआ, उसके लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को इसके साथ ऐड कर दिया,
ठीक है, एज्यूम करो इसके बिट्स के अंदर हमने एक कॉम्बिनेशन डाल दिया 001, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि ये तो के बिट्स होगी हमारे पास डेटा वर्ड, यानी कि जो सेंडर सेंड करना चाहता था, और ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बिट्स है, एज्यूम करो उसको हमने मार दिया आर, और इसको हम बोलेंगे रिडंडेंट बिट्स, रिडंडेंट बिट्स। तो हमारे पास टोटल कितनी बिट्स होंगी, ये होगी हमारी के बिट्स प्लस आर बिट्स। इस पूरे कंप्लीट मैसेज को, इस पूरे कंप्लीट मैसेज को विच इज़ के बिट प्लस आर बिट, इट इज़ कॉल्ड एज ए कोड वर्ड। कोड वर्ड, कोड वर्ड क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने एक मैसेज को प्लस कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड कर दिया, दैट इज़ के प्लस आर, दिस कंप्लीट बिट्स इज कॉल्ड एज ए कोड वर्ड। तो यहाँ पर ये बोलना चाहता है कि इफ यू डिवाइड अ मैसेज इनटू ब्लॉक्स, ईच के बिट्स इज कॉल्ड एज डेटा वर्ड, एंड वी एड आर रिडंडेंट बिट्स टू ईच ब्लॉक टू मेक अ लेंथ एन इज इक्वल टू के प्लस आर, द रिजल्टेंट एन बिट ब्लॉक इज कॉल्ड एज ए कोड वर्ड, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग ये, इसी में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर देखिए, हमारे पास के बिट्स ऑफ मैसेज थे जो सेंडर सेंड करना चाहता था, हमने इन सभी के बिट्स ऑफ मैसेज के अंदर कुछ आर बिट की इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया, इसके अंदर भी आर बिट की इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया, टोटल हमारे पास एन बिट्स हमारे पास इस तरीके से ये बन गए, ठीक है। अब देखो इसमें ना इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, हमारे पास के बिट का मैसेज है, ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैसेज कितने बन सकते हैं, हमारे पास टोटल ऑफ मैसेज बनेंगे हमारे पास 2^k डिफरेंट मैसेजेस, डिफरेंट मैसेजेस, ठीक है, ओके। अब हमने आर बिट की इन्फॉर्मेशन ऐड की, उन आर बिट की इन्फॉर्मेशन से हमारे पास कितने डिफरेंट कोड वर्ड्स बन सकते हैं, नंबर ऑफ कोड वर्ड्स, नंबर ऑफ कोड वर्ड्स पॉसिबल, सॉरी नंबर ऑफ, इट्स नॉट द कोड वर्ड, मी रिपीट अगैन, ओके, सो आई शुड नॉट से कोड वर्ड। सो आर बिट की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने ऐड की है, दैट इज द नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स, रिडंडेंट बिट्स। अब देखिए हमारे पास 2^k डिफरेंट मैसेज हमारे पास बन सकते हैं, और हमने आर बिट की रिडंडेंट बिट्स ऐड करी, तो हमारे पास कितने रिडंडेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, दैट इज 2^r कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस ऑफ रिडंडेंट बिट्स। अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि हर एक इस 2^k मैसेज को एक स्पेसिफिक रिडंडेंट बिट के साथ कंबाइन कर रहे हैं, जैसे कि हमने बोला कि 1101 एक मैसेज है, हमने इसको कुछ स्पेसिफिक बिट के साथ कंबाइन कर दिया। नेक्स्ट अगर हमारे पास मैसेज है 1100, तो हमने कुछ स्पेसिफिक बिट्स के साथ इनको कंबाइन कर दिया, तो ये वाला कोड बना हमारे पास 1101 00, ये वाला कोड बना हमारे पास 1101 00 1। अगर हमारे पास ये मैसेज है तो हमने इसको कुछ एक्स्ट्रा बिट्स के साथ कंबाइन कर दिया लाइक दिस, ठीक है, तो कोड बना हमारे पास 1010 01, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इस तरीके से जो मैसेज हमारे पास बन रहा है, तो मैसेज कितने मैसेजेस बनेंगे, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ये हमारे पास, इससे हमारे पास 2^k डिफरेंट मैसेज बन सकते हैं, और हर एक मैसेज को हमने एग्जैक्टली एक कॉम्बिनेशन के साथ ही कंबाइन किया है, जैसे कि इसके लिए एग्जैक्टली एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया, इसके लिए एग्जैक्टली एक कॉम्बिनेशन हमने बना दिया, तो हर एक मैसेज के साथ हम लोग एग्जैक्टली सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना रहे हैं। लेकिन अगर इन टोटल बिट्स को हम देखा जाए, टोटल बिट्स, ठीक है, तो टोटल कितनी बिट्स हैं हमारे पास, के प्लस आर, तो इन टोटल बिट्स से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे हमारे पास, 2^k+r, या फिर कहो 2^n डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है यहाँ से पॉसिबल है, ठीक है, इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लेकिन इनमें से हम सिर्फ इतने ही कॉम्बिनेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन कौन से हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो कि हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, विच वी आर नॉट यूजिंग, वी आर नॉट यूजिंग, तो इससे कितने कॉम्बिनेशन जो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, वो कितना हो गया, 2^k+r - 2^k, क्योंकि इतने ही कॉम्बिनेशन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इतने सारे कॉम्बिनेशन को हम लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें से आप 2^k कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2^r - 1, तो इतने सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिनको हम लोग यूज़ ही नहीं कर रहे, विच आर कम्प्लीट वेस्ट। तो ये यहाँ पर यही ऐसा कुछ बताना चाहता है, तो ये क्या बता रहा है यहाँ पर कि वी हैव सेट ऑफ डेटा वर्ड्स जिसका साइज k है हमारे पास, एंड सेट ऑफ कोड वर्ड्स जिसका साइज n है हमारे पास। अगर हमारे पास k बिट का डेटा वर्ड है तो हमारे पास 2^k डिफरेंट डेटा वर्ड्स हमारे पास पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ n बिट्स, ठीक है, जिनसे हमारे पास, अगर हमारे पास टोटल n बिट्स हैं तो हमारे पास 2^n कोड वर्ड्स पॉसिबल है। तो बिकॉज n जो है वो k से बड़ा है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल कोड वर्ड्स जो है दैट इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ पॉसिबल डेटा वर्ड्स, ठीक है। नाउ द ब्लॉक कोडिंग प्रोसेस इज 1-to-1,
ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है हमारे पास कि 2n हमारे पास बन सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ इतने ही यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास कितने हम लोग कोड वर्ड्स हम वेस्ट कर रहे हैं, 2n माइनस 2k, या फिर 2k प्लस आर माइनस 2k, हम इतने सारे कोड वर्ड्स को हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ कम्प्लीट वेस्ट, ठीक है। तो जो ये जो कोड वर्ड्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं इनवैलिड और इलीगल कोड वर्ड्स, इनवैलिड और इलीगल कोड वर्ड्स। क्योंकि अगर इनमें से ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन रिसीवर को मिलेगा, तो रिसीवर बोलेगा कि ये जो इनवैलिड इलीगल कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे ही हमारे पास आया, यानी कि मैसेज जो है वो करप्टेड है, ठीक है। ओके, ये बहुत ही ईजी टेक्निक है यहाँ पर, करेक्ट। इसमें आई थिंक आई कैन शो यू विद दिस एग्जांपल। जैसे कि हमारे पास इस तरीके से हमने कुछ कॉम्बिनेशंस हमने यहाँ पर बना दिए, ठीक है। इन कॉम्बिनेशंस को बनाने के बाद अब इसमें से ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होंगे जो कि इनवैलिड है, यानी कि जो बन ही नहीं सकते हैं। जैसे कि हमने हर एक के लिए एक पर्टिकुलर कोडवर्ड हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब रिसीवर के पास कुछ ऐसा कोडवर्ड मिला है विच इज़ नॉट पॉसिबल, जैसे कि एक कोडवर्ड हमारे पास मिला, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, इट इज़ इनवैलिड। तो रिसीवर बोलेगा सर कोई एरर है यहाँ पर, देयर सम काइंड ऑफ एरर विच इज़ प्रेजेंट इन द नेटवर्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द 5B, 4B, 5B ब्लॉक कोडिंग डिस्कस, ओके, ये हमने बात पहले कहीं पर डिस्कस किया था बुक के अंदर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल ऐसा बोल रहा है कि अगर हमारे पास टोटल k की वैल्यू 4 है और हमारे पास n की वैल्यू 5 है, ठीक है। n की वैल्यू क्या मतलब है, n इज इक्वल टू k प्लस r। तो इफ k की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 5 है, तो कितना हो गया, 5 इज इक्वल टू 4 माइनस प्लस r विच इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1, यानी कि हम एक रिडंडेंट बिट को यूज़ कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा बिट को यूज़ कर रहे हैं। अब इन k बिट से हमारे पास 2^16 डेटा वर्ड्स पॉसिबल है और टोटल हमारे पास 32 कोड वर्ड्स पॉसिबल होंगे। अगर n की वैल्यू k प्लस r है विच इज 5, तो हमारे पास 32 कोड वर्ड्स पॉसिबल है। तो इनमें से हमारे पास कितने इनवैलिड कोड वर्ड्स हैं, इनवैलिड कोड वर्ड्स हैं जो कि हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, दैट इज़ 2^n माइनस 2^k, जिसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2^5 माइनस 2^4 विच इज इक्वल टू 32 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 16। तो 16 ऐसे कोड वर्ड्स होंगे विच आर कॉल्ड एज इनवैलिड और अनयूज्ड और वेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास एरर डिटेक्शन। हाउ कैन एरर्स बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग ब्लॉक कोडिंग स्कीम, द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर मेट, द रिसीवर कैन डिटेक्ट अ चेंज इन द ओरिजिनल वर्ड, ठीक है। कैसे डिटेक्ट कर सकता है रिसीवर, द रिसीवर हैज़ अ लिस्ट ऑफ वैलिड कोड वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट, द ओरिजिनल कोड वर्ड्स हैज़ चेंज्ड टू एन इनवैलिड वन, ठीक है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि अब इस तरीके से हम एक कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे तो रिसीवर कैसे पता करेगा कि हमारे पास कोई एरर है। रिसीवर क्या करेगा, एज्यूम करो कि एक कंप्लीट हमारे पास लिस्ट है जो कि ये बताए कि इसमें से वैलिड कोड वर्ड्स कौन से हैं, ठीक है। अब ये जो लिस्ट है ये सेंडर के पास भी होगी और सेम जो लिस्ट है वो हमारे पास रिसीवर के पास भी होगी। सेंडर और रिसीवर दोनों के पास एक ही तरह की लिस्ट होगी। अब सेंडर के पास कोई मैसेज आया, उस मैसेज के अंदर सेंडर ने एक एक्स्ट्रा आर बिट्स को ऐड किया, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट एन बिट्स का कोडवर्ड बना। इस कोडवर्ड को सेंडर ने रिसीवर को सेंड किया। रिसीवर क्या करेगा, इस रिडंडेंट बिट्स के अकॉर्डिंग इस लिस्ट में चेक करेगा कि क्या मैसेज होना चाहिए। अगर वो दोनों चीज़ें मैच हो गई, यानी कि जो मैसेज इसको मिला है दैट इज़ करेक्ट। अगर वो दोनों चीज़ें मैच नहीं हुई, यानी कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आ गया जो कि यहाँ पर लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, विच इज़ नॉट अ वैलिड कोडवर्ड, तो रिसीवर बोलेगा कि कोई एरर ऑकर हुआ है। नाउ अब एरर कैसे ओकर होगा, इफ़ इस मैसेज के अंदर कोई चेंज हुआ तो। पहला क्या होता है, रिसीवर हैज़ अ लिस्ट ऑफ वैलिड कोड, रिसीवर के पास ये लिस्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज़, द ओरिजिनल कोडवर्ड हैज़ चेंज टू एन इनवैलिड वन, ये जो कोडवर्ड है ये एक इनवैलिड कोडवर्ड के अंदर चेंज होना चाहिए, तभी रिसीवर बता पाएगा कि कोई एरर ओकर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो इस द प्रोसेस ऑफ एरर डिटेक्शन इन ब्लॉक कोडिंग स्कीम क्या होगा, सेंडर है, सेंडर के पास एक एनकोडर है, एनकोडर अपनी k बिट्स को लेगा, उसके अकॉर्डिंग r बिट्स को जनरेट करेगा, फिर टोटल हमारे पास k प्लस r बिट्स का कोडवर्ड बनेगा। इस k प्लस r बिट्स के कोडवर्ड को हम सेंड करेंगे, रिसीवर अपने पास चेकर लेगा जो कि एक्स्ट्रा r बिट्स से चेक करेगा कि भाई हमारे पास डेटा ठीक है क्या नहीं है, फिर इन r बिट्स को डिस्कार्ड कर देगा और जो नेक्स्ट k बिट है उनको लेकर और देख लेगा कि हमारे पास मैसेज ठीक है या नहीं है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास एज्यूम कि k की वैल्यू हमारे पास 2 है और n की वैल्यू हमारे पास 3 है। k की वैल्यू 2 मतलब हमारे पास जो डेटा वर्ड है, डेटा वर्ड इज़ ऑफ 2 बिट्स, ठीक है,
और रिडंडेंट बिट कितनी हो गया हमारे पास 3-2 विच इज़ इक्वल टू 1, और हमारे पास n दैट इज़ कोड वर्ड इज़ ऑफ 3 बिट्स, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, डेटा वर्ड हमने 00, 01, 10 और 11, इसके साथ हमने एक एक्स्ट्रा बिट यानी कि एक रिडंडेंट बिट 1 को यूज़ कर लिया, जो कि बताएगा कि हमारे पास क्या मैसेज है। अब देखिए 00 है, 00 के साथ हमने एक सिंगल 0 को कनेक्ट कर दिया, 01 के साथ हमने एक सिंगल 1 को कनेक्ट कर दिया, 10 के साथ हमने एक सिंगल 1 को कनेक्ट कर दिया, और 11 के साथ हमने एक सिंगल 0 को कनेक्ट कर दिया। एक्चुअली दिस इज़ द पैरिटी चेकिंग। पैरिटी चेकिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास नंबर ऑफ 1 किसी भी डेटा वर्ड के अंदर ऑड है तो हम लोग उसके लिए एक एक्स्ट्रा 1 को ऐड कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ 1 हमारे पास इवन है तो हम उसके लिए एक 0 को चेक ऐड कर रहे हैं। तो ये हम डेटा सेंड करने चाहते थे, इसके लिए हमने एक कोडवर्ड यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। अब देखिए ये तो 3 बिट है, इन 3 बिट से टोटल 8 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, लेकिन हर एक उन 8 कॉम्बिनेशंस को हम यूज़ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इनमें से सिर्फ 4 ही ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं विच आर वैलिड कॉम्बिनेशंस, बाकी सभी कॉम्बिनेशंस आर इनवैलिड। तो 4 कॉम्बिनेशंस होंगे विच आर इनवैलिड, एंड देर आर 4 कॉम्बिनेशंस आर देयर विच आर वैलिड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब हो गया रहा यहाँ पर, एज्यूम दैट सेंडर एनकोड द डेटा वर्ड दिस टू दिस। सेंडर ने क्या किया, सेंड, ये सेंडर है कि रिसीवर है, सेंडर को 01 डेटा सेंड करना चाहता, सेंडर ने इसको एनकोड किया तो 011 हो गया, यानी कि एक्स्ट्रा 1 की इन्फॉर्मेशन इसने सेंड किया, ऐड किया, फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है उसने रिसीवर को भेजा। अगर रिसीवर को 001 मिला तो रिसीवर बोलेगा यस इट इज़ ए वैलिड कोड वर्ड, और उसमें से 01 को एक्सट्रैक्ट करके रिसीवर ले लेगा। लेकिन अगर इसकी जगह पर एक बिट की इन्फॉर्मेशन करप्ट हो गई और रिसीवर को मिला 111, अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर चेक करेगा कि ये एक वैलिड कोडवर्ड है कि नहीं है। अब बिकॉज यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ वंस यहाँ पर है हमारे पास इवन, अगर 111 रिसीव हुआ है तो नंबर ऑफ वंस हमारे पास इवन है तो दिस शुड बी 0, तो रिसीवर बोलेगा कि यस देयर सम एरर, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ वैलिड कोडवर्ड, और रिसीवर उसको डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। एंड दिस कोडवर्ड इज़ करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड 0, अगर ये पूरा कोडवर्ड ही करप्ट हो गया और 000 रिसीव हुआ है तो उस केस में क्या हुआ, अगर रिसीवर को 000 रिसीव हुआ है तो इस केस में भी एरर देयर इज सम मैसेज। सी ये थर्ड पॉइंट क्या कहना चाहता है कि सेंडर को 001 सेंड करना था, सेंडर ने रिसीवर को सेंड किया, रिसीवर को 000 मिला। अब रिसीवर को 000 मिला, इस केस में अगर रिसीवर आइडेंटिफाई करेगा कि कोई एरर है कि नहीं है तो रिसीवर बोलेगा इट इज़ अ वैलिड कोडवर्ड एंड यस कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हुआ क्या, इट इज़ अ वैलिड कोडवर्ड, द रिसीवर इनकरेक्टली एक्सट्रैक्ट द डेटा वर्ड विच इज 000 एंड 2 करप्टेड बिट्स हैव मेड द एरर अनडिटेक्टेबल। तो यहाँ पर क्या होगा, एरर ओकर हुआ लेकिन इट इज़ अनडिटेक्टेबल, ठीक है। तो क्या होगा, एन एरर डिटेक्टिंग कोड कैन डिटेक्ट ओनली द टाइप्स ऑफ एरर फॉर विच इट इज़ डिजाइंड, अदर टाइप्स ऑफ एरर मे रिमेन अनडिटेक्टेड। तो यहाँ पर अनडिटेक्टेड एरर्स हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो पैरिटी चेकिंग का ये जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगाया था, ये सिर्फ एक बिट की एरर या फिर ऐसे एरर्स को बता सकते हैं कि जहाँ पर हमारे पास इवन से ऑड वंस हो गए, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कुछ चेंजेस हुआ है जहाँ पर हमारे पास जो चेंजेस नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ वन से चेंज होगी तो हमारे पास ये एरर अनडिटेक्ट कर पाएगा, इनकी डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि एरर करेक्शन इज़ मोर डिफिकल्ट देन एरर डिटेक्शन, ठीक है। वो सब कुछ, वो सभी सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन में क्या होगा कि सेंडर है, उसने के बिट का डेटा वर्ड है, उसको जनरेट, उसके लिए कुछ रिडंडेंट बिट्स को जनरेट किया, वो सेंड किया, फिर रिसीवर ने उसे चेक किया कि ठीक है कि नहीं है, और फिर रिसीवर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है यहाँ पर कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। एज्यूम करो कि सेंडर हमारे पास ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे। जैसे कि अगर यही हमें सेम मैसेज भेजना था, अब बिकॉज यहाँ पर दो बिट्स हैं, हमने आर बिट्स का तो अपना मैसेज, सॉरी के बिट्स का हमारे पास मैसेज था और उसके अंदर आर बिट्स, आर की वैल्यू इस समय 3 है। बिकॉज अगर हमें एरर को करेक्ट भी करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस पोजीशन में एरर है, ठीक है। तो उसके केस में हमें ज़्यादा रिडंडेंट बिट्स का यूज़ करना पड़ेगा। समटाइम्स इट कैन हैपन कि जो रिडंडेंट बिट्स हैं दैट इज़ ग्रेटर देन द टोटल नंबर ऑफ डेटा वर्ड्स जो सेंडर सेंड करना चाहता है। तो होगा क्या कि डेटा वर्ड हमने सेंड किया रिसीवर को, ये उसके लिए रिसीवर के लिए हमने ये कोड वर्ड बनाया, इस डेटा वर्ड के लिए ये कोड वर्ड बनाया, इस डेटा वर्ड के लिए ये कोड वर्ड बनाया, इस डेटा वर्ड के लिए ये कोड वर्ड बनाया, यानी कि हमने कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है।
अब क्या होगा कि अब कंपेयर द रिसीव वर्ड द फर्स्ट कोड वर्ड इन द टेबल. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसा बोलता है कि अगर एज्यूम करो हमें जीरो वर्ड डेटा वर्ड सेंड करना था, ठीक है, तो सेंडर अपनी इस टेबल से कंसल्ट करेगा और इसके अंदर इसका जो कोड वर्ड है जो यहाँ पर 01 के साथ जो कोड वर्ड है दैट इज़ 00011, तो सेंडर उसको यानी कि इसको इनकोड किया तो 01 के साथ 011, यानी कि ये हमने एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट्स को ऐड कर दिया तो कंप्लीट हमारा बन गया कोड वर्ड. ठीक है, अब सेंडर इसको रिसीवर के पास भेज रहा है. ठीक है, फर्स्ट द रिसीवर फाइंड द रिसीव्ड कोड वर्ड इज़ नॉट इन द टेबल. जब रिसीवर के पास ये टेबल मिला तो चेक करेगा कि इसके अंदर से कुछ जो टेबल बनी है. एज्यूम करो ये ऐसा बोल रहा है कि रिसीवर को जो मैसेज मिला है दैट इज़ 01001, तो हुआ क्या कि ये वाली जो बिट है ये हमारे पास करप्ट हो गई. तो अब रिसीवर को मैसेज मिला, अब रिसीवर चेक करेगा इसको क्या ये टेबल के अंदर है. तो अगर हम टेबल को कंसल्ट करें तो ये वाला जो मैसेज है वो इस टेबल के अंदर कहीं पर भी ऑकर नहीं हो रहा है. ठीक है, तो अब उसके बाद दिस मीन्स दैट एरर हैज़ ऑकर्ड, यानी कोई एरर हुआ है. देन डिटेक्शन मस्ट कम बिफोर करेक्शन. पहले तो डिटेक्ट कर लिया कि हाँ भाई एरर है, अब उसको करेक्ट भी करेगा. द रिसीवर एज्यूम दैट देयर इज ओनली वन बिट करप्टेड यूजेस द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी. अब वो एक बिट करप्ट हुई है तो क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करेगा. ठीक है, पहला क्या है कि पहले वो इससे चेक करेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा कोड वर्ड है जहाँ से ये क्लोजेस्ट मैच करता है. क्लोजेस्ट देखिए यहाँ पर हम जो डिस्टेंस जो हम मैच करेंगे उसको बोलते हैं हैमिंग डिस्टेंस. हैमिंग डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस का मतलब क्या है कि रिसीवर को जो भी कोड वर्ड मिला, देखिए रिसीवर को यहाँ पर क्या कोड वर्ड मिला है हमारे पास, रिसीवर को जो हमारे पास सेंडर जो भेजना चाहता था दैट इज़ 01011, लेकिन रिसीवर को क्या मिला है हमारे पास 01001. ठीक है, तो हुआ क्या कि सेंडर ने भेजना था 01011, रिसीवर को मिला है 01001. ठीक है, अब रिसीवर क्या करेगा, वो इसको उठाएगा, उसमें चेक करेगा कि इन सभी कोड वर्ड में से अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता यानी कि कोई एरर है तो इन सभी में से ऐसा कौन सा कोड वर्ड है जहाँ पर ये सबसे क्लोजेस्ट मैच करता है. सबसे क्लोज कितनी बिट्स का डिफरेंस है, जैसे कि अगर इसको मैं पहले वाले कोड वर्ड से मैच करता हूँ तो हमारे पास 2 बिट का चेंज है. अगर मैं इसको दूसरे वाले कोड वर्ड से मैच करता हूँ तो हमारे पास 1 बिट का डिफरेंस है, 1 बिट का डिफरेंस है. अगर इसको मैं तीसरे के साथ मैच करता हूँ थर्ड के साथ तो यहाँ पर हो क्या रहा है हमारे पास, हाउ मेनी बिट्स का चेंज, देर आर 4 बिट्स का चेंज है हमारे पास. ठीक है, अगर इसको मैं इससे मैच करता हूँ कि इसके कितना क्लोज है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 बिट का चेंज है, 4 बिट का चेंज है. तो इनमें से ऐसा कौन सा है कोड वर्ड जो कि सबसे क्लोज मैच कर रहा है, वो ये वाला है जहाँ पर सिर्फ 1 बिट का चेंज है. यानी कि तो रिसीवर बोलेगा कि सेंडर जो डेटा सेंड करना चाहता था वो था हमारे पास 01011. ठीक है, क्योंकि ये सबसे क्लोज मैच कर रहा है, सिर्फ एक ही बिट का चेंज आया. देखिए अगर एक ज़्यादा बिट का चेंज आएगा तो रिसीवर के लिए आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक ही बिट का चेंज आया है यहाँ पर तो रिसीवर के लिए आइडेंटिफाई करना कि एरर कहाँ पर है वो बहुत ईजी हो जाएगा और रिसीवर इसको चेंज कर बताएगा कि सर सेंडर ये वाला मैसेज सेंड करना चाहता था. ओके, तो दिस इज़ सम इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दिस. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो ये रिडंडेंसी वाला मेथड है इसको और डिटेल में चेक करेंगे किस किस तरह के रिडंडेंसी वाला मेथड हो सकता है. सबसे पहले हम ऐसे कितने मेथड है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि कोई एरर ऑकर हुआ है या नहीं हुआ. फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड आएंगे वो आएंगे करेक्शन वाले मेथड्स, जिनसे हम ये बताएंगे अगर एरर ऑकर हुआ है तो वो किस पर्टिकुलर पोजीशन पर एरर ऑकर हुआ है. ओके, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.